दिन से सफर करे जा रहे हम। मेरी सांस फूल गई है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल सोने फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, अभी हूँ मैं शिमला में। एक्चुअली मैं पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर हूँ, थोड़ा मेरा एक टेस्ट था तो मैंने वो दे दिया है, अभी मैं फ्री हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि आते टाइम मैंने क्या ही दिखाऊँगा आप सभी को, तो अभी मैं भाई के रूम में हूँ अभी यहाँ पर। तो चलो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। और आज हम घूमने जा रहे हैं, रिज तो मैं घूम ही रहा हूँ पर आज हम जाकू जा रहे हैं और फ्रेंड्स भी हैं मेरे, तो वो मेरे को रिज पर मिलेंगे। अभी मैं जी से काफ़ी दूर हूँ तो यहाँ से मैं बस ले लूँगा और थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। अभी मैं खाना वाना खा लेता हूँ और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से बता देता हूँ आपको व्यू, यहाँ का व्यू है यहाँ का, और सामने है ऊपर रिज, ये रहा रिज, ये वाला एरिया है रिज का, एंड ये सामने का है, और ये सामने यूनिवर्सिटी है जो HPU है। मिलेंगे आप सबको जितना सके उतना एक्सप्लोर करवाएंगे, तो चलो चलते हैं एक्सप्लोर। अभी मैं रोड में पहुंच चुका हूं, यहां पर यहां से लूँगा मैं बस सामने शिमला के लिए। चलो लेते हैं बस और पहुंचते हैं शिमला रिज में। कुछ है यहां पर, और यहां पर रुका था मैं जो कुफ्टादार है, और यहां से हम जाएंगे सामने से। सो गाइस, अभी मैं वॉल रोड में हूँ, रिज पहुँचने वाला हूँ, जस्ट 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। चलो आपसे भी दिखा देता हूँ, एक्चुअली सही से रोशनी नहीं आ रही तो एडजस्ट कर लो, सही से ब्राइटनेस नहीं आ रही है तो ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ये रहा रिज, शिमला का रिज मैदान, जो बहुत ही फेमस है टूरिस्ट प्लेस के लिए। और यहाँ पर आप घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं। दिस इज द व्यू, एंड मैं अपने दोस्तों को ढूंढ लेता हूँ। मेरे दोस्त मेरे को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे देखा जाएगा, बस उन्होंने बोला है कहाँ पे खड़े हैं, तो चलो ढूंढते हैं उनको। चुके हैं, दिखाता हूँ आपको, ये बैठे हैं यहाँ पर, ये रहे तीनों यहाँ पर। बोल क्या बोलना था वो? गाइस ये लेट हो गया बहुत ज्यादा। हां वो तो है, इसने लेट कर दी है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब इस चैनल। ये रहा कुछ रिज का नजारा, और हम जा रहे हैं जाकू टेंपल, और सामने ऊपर यहां का व्यू कुछ ऐसा है। और यहां पर टूरिस्ट आए हैं बहुत ज्यादा लोग, और यहां पर और हमारा तिरंगा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, ये है रजनीशा और रजनीशा की सिस्टर और रजनीशा का भाई जो मेरा दोस्त है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं रिज से, तो चलो चलते हैं जाकू टेंपल और आप सभी को एक्सप्लोर करवाते हैं। इसको चर्च शिमला, जस्ट रिज से निकले हम, ये बोल ये वाली धीरे धीरे चढ़ना, आज पता नहीं क्यों थकी पड़ी, थकी होनी है ज़्यादा ही कुछ, हद से ज़्यादा है ना, ठीक बोले। अरे 3 दिन से सफ़र करे जा रहे हैं, चलना चाहिए ना, आधा डालो हिली एरिया में चलनी। सो गाइस, ये रिज का टॉप जहाँ से आप व्यू का आनंद ले सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, और टोटल व्यू यहाँ से आ जाता है। साइड बैठने की जगह है वहाँ पर, बैठ सकते हैं यहाँ पर, बैठने के लिए तो है नहीं यहाँ पर, खाने के लिए होंगे। और आप लगी है ठंड ठंडी, बट इस टाइम तो धूप लगा हुआ है तो इतनी ठंड नहीं है, शाम का टाइम होती है यहाँ पर ज़्यादा। चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मेरी सांस फूल गई है, और ये सब कितने ऊपर पहुंच गए हैं। यहाँ पर बंदर भी है,
ये बहुत डेंजरस होते हैं। देख सुन मेरी, अगर 10 बजे जाएगी ना, 5 बजे पहुंच जाएगी। अभी चल रहे हैं रास्ते में, अभी पहुंचे नहीं है, कम से कम हमको आधा घंटा तो हो ही गया होगा, हो गया होगा चलते हुए, और पहुंच के दिखाते हैं। अब बहुत ज़्यादा बन गया ब्लॉग, एडिटिंग में बाट लगने वाली है। रेस्ट करने अभी ऊपर को जाना है, अभी हम रेस्ट कर रहे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, और आदमी नीचे बैठे हैं, हम दोनों यहाँ बैठे हैं। चलो कर लेते हैं रेस्ट, निकलते हैं ऊपर को बाद में। इसी बर्फ मिली है, और इस इंसान को देखो ये बर्फ कैसे फेंक रहा है। हमें यहाँ थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखी गाइस, ये देखो।